आबो आवास ऐसा धरती में हम लोग चर्चा करते हैं जिस धरती एक कोयलांचल क्षेत्र है और कोयलांचल क्षेत्र का क्या स्थिति है, और यहाँ का कोयला कहाँ कहाँ उपयोग है, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग को समझने का हम लोग को मौका मिला। और इसी धरती में आज हम आवास आबुआ आवास 35,000 लाभुकों से हमने शुरुआत कर रहा है। ये कोयलांचल है, इस धरती से ये बोकारो जिले में बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, लेकिन आज इस झारखंड धरती के आदिवासी मूलवासी उनका आर्थिक स्थिति क्या हो गया है, सिंचाई की व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था उनको, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखा कि झारखंड का यहाँ का जो बुनियादी समस्या है, इसी धरती से कोयला है, इसी झारखंड के धरती से सोना भी है, यूरेनियम भी है, तांबा भी है और लोहा का पत्थर भी है, लेकिन झारखंड के आदमी के साथ व्यवस्था कभी साथ नहीं दिया, कोई भी विस्थापित का झेल रहा है, कोई कोयलांचल से उनका गांव उद्वास्तु हुआ, आज छोटे मोटे घर में रहना शुरू कर गया, मजबूर हो गया है। इसलिए ये सोचा, पहले हम लोग सुनते थे इंदिरा आवास, उसका बाद प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री का आवास बहुत ढिंढोरा पीट गया भाजपा वालों ने। ये कहता था 2022 तो पूरा देश में हम सबको पक्का मकान दे देंगे, लेकिन भाइयों बहनों क्या क्या झारखंड के साथ कौन सा गलती किया है, 8 लाख सूची में था प्रधानमंत्री आवास में, हमारा हेमंत बाबू ने कई बार पत्राचार किया कि हमको पैसा दीजिए, अभी 1,30,000 में 80,000 उनको देना था, लेकिन नहीं दिया केंद्र सरकार, जो इसका लिए हेमंत बाबू सोचा हम अपना बल पर हमारा झारखंड की धरती के आदिवासी मूलवासी को हम आबुआ आवास देंगे। नहीं दिया, जिस धरती से कोयलांचल से आज पूरा देश उजाला है, सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली यहां का कोयला उपयोग किया है। इसलिए अब वो आवास लाना पड़ा, कैसे करके आवेदन दिया लिया गया, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम के माध्यम से 29 लाख आवेदन आया और 20 लाख हम लोग सूची को स्वीकृत कर दिया है। और इसमें हमारा पूर्व वक्ता ने कहा, गिरिडीह का लखपुरिया विधायक, यह 4 लाख किया जाए,
आज इस मांग से हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं, 3 महीने के बाद 9 लाख अब आवास एक साथ में दिया जाएगा। ये तो आज शुरुआत है, उसका साथ हम लोग, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल का दर्द ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण में वो देखा क्या है ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति, आर्थिक स्थिति, रहन सहन क्या है, वह का सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आज कमजोर है, शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह से दयनीय है, ये सारा चीज देखा कि आज झारखंड क्यों इतना कमजोर है, क्यों यहाँ का आदिवासी मूलवासी कमजोर है। इसलिए आज पहले पेंशन था, एक सीमा था, टारगेट था, हम इतना के बाद हम नहीं करेंगे, लेकिन गांव का स्थिति देखा, यहाँ का परिवार का स्थिति देखा, जो आज गर्मी सीजन में पैर में जूता नहीं है, ठंडा का समय बदन में गर्म कपड़ा का नसीब नहीं, ऐसा स्थिति में कि हम सबको पेंशन देंगे ऐसे कानून बना दिया और सवर्जन पेंशन योजना चालू कर दिया, गांव में सभी को पेंशन मिलेगा। और उसको कैसे करके आवेदन किया, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला के उपायुक्त, जिला का डीसी, सारा पदाधिकारी गांव की ओर चल गया, एक दिन में आवेदन लिया और उसी दिन स्वीकृति हो गया। ये देश के अंदर सबसे बड़ा पहला राज है इस तरह का व्यवस्था के जनता के बीच से उनका समस्या जाना। और आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।